यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा में पहली बार हिसार के कैंप चेक स्थित चूड़ामणि मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के न्यूरो सर्जन डॉक्टर सचिन तोमर द्वारा 3D प्रिंटिंग तकनीक के इस्तेमाल की ओर से एक युवा मरीज की सफलतापूर्वक क्रेनियोप्लास्टी की गई। हरियाणा में पहली बार 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सफलतापूर्वक क्रेनियोप्लास्टी की गई। इस आधुनिक 3D प्रिंटिंग तकनीक द्वारा पॉलीमिथाइल मेथोफ्थालेट नामक पदार्थ से सिर की हड्डी बनाकर मरीज के सिर में लगा दी गई, जिसे मेडिकल भाषा में क्रेनियोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है। क्रेनियोप्लास्टी करने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर सचिन तोमर ने बताया कि राजस्थान के चिढ़ावा का रहने वाला बीटेक में पढ़ने वाला एक युवक अभिषेक 3 नवंबर 2018 को छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। की नाजुक हालत को देखते हुए तत्काल मरीज के सिर का ऑपरेशन किया गया है, लेकिन दिमाग में सूजन होने की वजह से मरीज के सिर की हड्डी हटाने का फैसला लिया गया था। और अब करीब 5 महीने बाद युवक अपने सिर की हड्डी दोबारा लगवाने के लिए अस्पताल में दाखिल हुआ, जहां 3D प्रिंटिंग तकनीक द्वारा पॉलीमिथाइल मेथोक्राइलेट नाम के पदार्थ सिर की हड्डी बनाकर मरीज के सिर में लगाई गई है। 3D प्रिंटिंग टेक्निक अभी हिंदुस्तान में सिर्फ चुनिंदा सेंटर पे हो रही है। एक्चुअली मैंने MCH न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग SMS हॉस्पिटल जयपुर से ली है। इसमें क्या करते हैं कि अपन लोग 3D रिकंस्ट्रक्शन फिल्म भेजते हैं और जो वहाँ से मोल्ड बन के आता है, जो कंपनी अपन के लिए मोल्ड बना के भेजती है, फाइबर मोल्ड उसको बोलते हैं, उसमें हड्डी ऑपरेशन के दौरान बनाई जाती है। ऑपरेशन करते वक्त ही बनाते हैं उसको, तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगता है। कॉस्मेटिकली बेटर, स्ट्रेंथ वाइज बेटर एंड लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अभी हमने करीब 2-3 पेशेंट में लगाई है, जिसमें कि अभिषेक का डिफेक्ट काफी बड़ा था और उसमें काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिला। वहीं अभिषेक ने बताया कि ऑपरेशन के बाद सिर में नई हड्डी लगा दी गई है, जिससे अब वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जैसे लगे सब डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया, उसके बाद किसी को नहीं लग रही थी कि मतलब बचेगा या नहीं बचेगा। फिर पिलानी हॉस्पिटल में किसी ने बताया कि वहाँ पे हिसार में ले जाओ, चूड़ामणि हॉस्पिटल में वहाँ पे न्यूरो सर्जन है, उनके पास ले जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे मेरे को हिसार में लेकर आए न्यूरो सर्जन के पास। फिर सचिन तोमर सर हैं न्यूरो सर्जन, इन्होंने मेरा इलाज किया और उसके बाद मैं सही हो गया। 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल अभी देश के कुछ चुनिंदा एडवांस्ड सेंटर पर भी किया जा रहा है, जिसमें MMS अस्पताल जयपुर और दिल्ली का एम्स प्रमुख है। हरियाणा में पहली बार 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चूड़ामणि मल्टी स्पेशलिस्ट चैरिटेबल अस्पताल की कोशिश है कि आधुनिक तकनीक और कम खर्च के जरिए मरीजों का इलाज हिसार में उपलब्ध करवाया जाए, ताकि मरीजों को दिल्ली या जयपुर जैसे बड़े शहरों में इलाज के लिए भटकना न पड़े। खबरें अभी तक के लिए हिसार से प्रवीण कुमार।